This is Subha and this is the medical split channel known as MSTV. तो आज की जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है और एक नए टॉपिक ऊपर है जिसका नाम है ईयर इरीगेशन। ईयर इरीगेशन को आज अपन डील करेंगे और इस टॉपिक में कुछ अच्छे अच्छे मेन पॉइंट से इसको आज अपन डील करेंगे, जैसे कि डेफिनेशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर दो तरह से मैंने बताया है इसमें, एक तो एक्सप्लेनेशन करके और दूसरा है लाइव। तो लाइव प्रोसीजर को जरूर देखें और वीडियो का अपन आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की वीडियो आपके लिए आएगी और ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फिर ईयर इरीगेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि क्या होता है ईयर इरीगेशन। तो नाम पे जाते हैं ईयर और इरीगेशन, ईयर ठीक है, यह है ईयर और इरीगेशन। इरीगेशन जो टर्म है इसका मीनिंग होता है क्लीनिंग और वॉशिंग, या तो क्लीनिंग बोल दीजिए या वॉशिंग बोल दीजिए, दोनों एक ही है। तो ईयर इरीगेशन क्या होता है कि ईयर क्लीनिंग, यानी कि जो ईयर है उसकी क्लीनिंग करना ईयर इरीगेशन होता है। तो ईयर इरीगेशन क्या होता है कि एक तरह का मेडिकल प्रोसीजर है, इसके अंदर इम्पेक्टेड सीरूमेन और फॉरेन बॉडीज़ क्या है, फॉरेन बॉडीज कोई भी अदर पार्टिकल हो सकता है और इंसेक्ट हो सकता है, यानी कि कीड़े मकोड़े ठीक है, वो सारे पार्टिकल्स जो बाहर से अंडे की ओर इंटर करता है ठीक है, वो फॉरेन बॉडी। तो यानी कि ईयर इरीगेशन के अंदर इम्पेक्टेड सीरूमेन और फॉरेन बॉडीज को वॉश किया जाता है ईयर से, इस ईयर कैनाल को वॉश किया जाता है ठीक है, इम्पेक्टेड सीरूमेन और फॉरेन बॉडी को। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होती है ईयर इरीगेशन। तो अब इसको लाइन में बोलते हैं, ईयर इरीगेशन इज अ प्रोसीजर इन विच इम्पेक्टेड सीरूमेन एंड फॉरेन बॉडीज आर वॉश आउट फ्रॉम द ईयर कैनाल कॉल्ड ईयर इरीगेशन। तो ये जो चीज़ होती है ये होती है इरीगेशन ठीक है। तो अब ईयर इरीगेशन को अपन वीडियोस के माध्यम से भी समझ सकते हैं, तो वीडियो देखते हैं पहले तो वो हेल्प करेगी आपको समझने में। तो देखना स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियोस चलेगी जो आपको हेल्प करेगी ईयर इरीगेशन समझने में, तो देखेगा। तो आइए जानते हैं ईयर इरीगेशन को इस वीडियो में, ये वीडियो हेल्प करेगी आपको डेफिनेशन को समझने में। तो इस तरह से जो ईयर इरीगेशन स्टार्ट होता है, बल्ब सीजन से ईयर को इरीगेशन किया जाता है, जो अंदर जो सीरूमेन है इम्पेक्टेड सीरूमेन उसको बल्ब सीजन के द्वारा इस तरह से वॉश किया जाता है और इम्पेक्टेड सीरूमेन को बाहर निकाला जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है ईयर इरीगेशन देख सकते हैं आप इस वीडियो में, बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें बताया है। इसमें बल्ब सीज से अंदर की तरफ टू से फोर इंच अंदर इंसर्ट की गई है और ये देखिए इस तरह से प्रोसीजर होता है, इसको बोलते हैं ईयर इरीगेशन। तो बात करते हैं इंडिकेशन की कि क्या क्या जो ईयर इरीगेशन है उसके इंडिकेशन है, यानी कि यूजेस है कि किस किस में ईयर इरीगेशन किया जाता है। तो नंबर पहला है जो कि यूजेस है वो है कि सीरूमेन, इंफेक्टेड सीरूमेन में ईयर इरीगेशन किया जाता है, यानी कि जब ईयर के अंदर जो सीरूमेन है वो जमा होने लग जाता है तो उसमें ईयर इरीगेशन किया जाता है। और फॉरेन बॉडी लॉज क्या होता है कि बाहर से जो अपना बाहर इन्वायरमेंट है वहाँ से ईयर के अंदर सडन कुछ फॉरेन बॉडीज है, और फॉरेन बॉडी जो होती है इंसेक्ट हो सकती है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, वो ईयर के अंदर लॉज हो गया हो तो उसमें भी ईयर इरीगेशन किया जाता है। तो ये है इसके यूजेस। वो बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि जो ओटाइटिस मीडिया है उस वाले स्थिति में इसे नहीं करेंगे क्योंकि मिडिल ईयर है, उसका इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो पहले से ही इन्फेक्टेड है और अगर अपने ईयर इरीगेशन किया तो उसमें चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन के और स्प्रेड होने के डीपली, जो डीप वाला पार्ट है
वेस्टिबल कोक्लियर वहाँ पे जाने की संभावना रहती है, और टेम्परिंग में मेरे परफोरेशन हो रहा उस वाली स्थिति में भी ये इरीगेशन नहीं किया जाता, और कभी कभी ओटाइटिस एक्सटर्नल यानी कि क्रोनिक फॉर्म में है तो उस वाली स्थिति में भी ईयर इरीगेशन नहीं किया जाता, ठीक है, और टिम्पेनो लास्ट में भी ईयर इरीगेशन नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इक्विपमेंट की, कि ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट है जो कि ईयर इरीगेशन में काम में लिए जाते हैं, तो उन इक्विपमेंट को जानते हैं इमेज सहित, और ये इमेज आपकी हेल्प करेगी इक्विपमेंट के लॉन्ग टर्म याद रखने में, तो देखिएगा। नवा पहला इक्विपमेंट है वाटर, नॉर्मल स्लैन वाटर, और उसके बाद है ईयर सिरिंज एंड इरिगेटिंग डिवाइस, प्रोटेक्टेड टॉवल्स, कॉटन बॉल्स, दीज आर द कॉटन बॉल्स, एंड कॉटन टिप्ड एप्लीकेशन, दीज आर द कॉटन टिप्ड एप्लीकेशन, एंड लास्ट एंड फाइनल इक्विपमेंट आर किडनी ट्रे। प्रोसीजर को कि किस तरह से प्रोसीजर किया जाता है, जो प्रोसीजर है वो दो फेज में चलता है, पहली फेज का नाम है प्रिपरेशन फेज, इसमें प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को, और दूसरी है परफॉर्मेंस फेज, इसमें अपन परफॉर्म करेंगे प्रोसीजर को। तो प्रिपरेशन फेज में क्या करेंगे कि पेशेंट को सीटिंग पोजीशन देंगे और उसका जो ईयर है उसको इस तरह से डाउनवर्ड कर लेंगे, ठीक है, डाउनवर्ड करने के बाद उसके जो शोल्डर है वहाँ पे टॉवल अप्लाई करेंगे ताकि पेशेंट के जो क्लॉथ है वो गीले नहीं हो जाए, तो इतना करना है सिर्फ प्रिपरेशन फेज में। अब बारी है परफॉर्मेंस फेज, बात करते हैं परफॉर्मेंस फेज की, तो परफॉर्मेंस फेज में क्या करेंगे, कॉटन एप्लीकेटर्स लेंगे, ये क्यों ले रहे हैं, इसको इसलिए ले रहे हैं ताकि जो डिस्चार्ज है उसे कम कर सके, जो ईयर है उसके अंदर डिस्चार्ज हो रहे हैं तो उसे रिमूव करने के लिए कॉटन एप्लीकेटर्स यूज़ करेंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे इस तरह का कॉटन एप्लीकेटर्स होते हैं, इसको यूज़ करेंगे और इससे डिस्चार्ज है उनको रिमूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ईयर के नीचे की तरफ किडनी ट्रे रख देंगे, ठीक है, किडनी ट्रे रख दी, किडनी ट्रे रखने के बाद में जो अपने जो नॉर्मल स्लाइन वाटर लेंगे उस वाटर का टेम्परेचर अपन मॉनिटर करेंगे, ठीक है, चेक कर लेंगे उसका टेम्परेचर कितना है, जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए, अगर ये टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, ये जो टेम्परेचर है ये बॉडी का टेम्परेचर है, अगर ये टेम्परेचर नहीं है तो पेशेंट के अंदर फीवर और डिजीनेस और अनकंफर्टेबल ये चीज़ें शो होने लग जाएगी, तो इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए। उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि बल्ब सिरिंज लेंगे, अब क्या है कि इसको जो प्रोसीजर है इसके लिए बल्ब सिरिंज ही बेस्ट रहती है, क्योंकि इस अदर सिरिंज, ठीक है, इसके अदर प्रोसीजर को, मेरा मतलब है कि इस प्रोसीजर को करने के लिए आप अदर जो सिरिंज है वो भी काम में ले सकते हैं, जैसे कि मार्केट में बहुत सारी सिरिंज है, जैसे कि स्प्रे सिरिंज, ठीक है, और ईयर सिरिंज, इसको आप यूज में ले सकते हो, लेकिन ये सिरिंज क्या करेगी कि जो टेम्परिंग मेम्ब्रेन है उसमें क्या कभी कभी डैमेज ला देती है और इन्फेक्शन जो इसके जो अदर पार्ट है वहाँ पे कोज हो जाते हैं, तो इसलिए इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाता है कभी कभी, लेकिन बल्ब सिरिंज का बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि बल्ब सिरिंज क्या करेगी, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता इसमें और इजीली जो सिरुमेन है उसे बाहर निकाल सकते हैं, तो इसलिए बल्ब सिरिंज इज द बेस्ट। तो बल्ब सिरिंज को लेंगे, उसके अंदर वाटर जो अपना नॉर्मल स्लैन है उसे फुलफिल कर लेंगे, देन उसके बाद में टू से थ्री इंचेस अंदर की ओर इंसर्ट करेंगे और प्रेशर जो है वो अपवार्ड की ओर लगाएंगे। अब प्रेशर अपवार्ड की ओर क्यों लगाएंगे, जैसे कि ये टिम्परिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है, सपोज कीजिए कि ये टिम्परिंग मेम्ब्रेन है, अब इसे 2 से 3 इंचेस अंदर इंसर्ट करेंगे और प्रेशर है वो अपवार्ड के ऊपर होना चाहिए, ऊपर की ओर जो अपनी ईयर के नाल है उसके ऊपर प्रेशर होना चाहिए, और ये प्रेशर क्या करेगा, अपवार्ड की ओर होता हुआ देन डाउनवर्ड होता हुआ और नीचे आ जाएगा,
और ये क्या करेगा कि हेल्प करेगा सीरिमेन को बाहर निकालने में। इस तरह से फुहार के ऊपर प्रेशर लगाया तो वाटर क्या वो ऊपर टकरा के देन पीछे उसके बाद में जो सीरिमेन है उसे बाहर निकाल देगा। तो इसलिए ये टेक्निक्स होना चाहिए। और तो कभी कभी क्या होता है कि जो ईयर सीरुमेन या फिर बोल दीजिए ईयर वैक्स है वो हार्ड हो जाता है, तो उसके लिए कुछ सीरुमेन लाइटिक एजेंट होते हैं उसको यूज़ कर लेना चाहिए ताकि जो सीरुमेन है वो बाहर निकल सके। और वो एजेंट है हाइड्रोजन प्रोक्साइड। हाइड्रोजन प्रोक्साइड एक ऐसे एजेंट है जो सीरुमेन लाइटिक होते हैं और सीरुमेन है उसे डाइल्यूट करने में हेल्प करते हैं। तो कभी कभी जब अपन ईयर इरिगेशन करें तो उसके पहले इसे अप्लाई कर देते हैं। तो ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड क्या करता है, जो सीरुमेन है हार्ड सीरुमेन है उसे क्या करें डायल्यूट कर देगा। और जब अपन प्रेशर लगाते हैं पीजी की ओर तो उसे हेल्प मिलती है सीरुमेन को इजीली बाहर पास आउट करने में। तो इस तरह से ये परफॉर्मेंस फेज कंप्लीट होती है। इसके बाद में आती है लास्ट फेज। तो लास्ट फेज में क्या करेंगे कि जो प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है किडनी ट्री को एक तरफ रख देंगे, जो ईयर है उसे ड्राई कर लेंगे सूखा लेंगे और उसके बाद में जो पेशेंट्स को अप्लाई करेंगे लाइंग पोजीशन विद इन्फेक्टेड ईयर, यानी कि पेशेंट्स से कहें कि जो उसका जो कान है जिस उसने ईयर इरिगेशन किया है उस तरफ से न्यू लेट जाए 2 से 3 मिनट के बाद। फिर उसके बाद में उसे ड्राई कर लेंगे एक बार फिर और उसे डिस्चार्ज कर देंगे। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर।